राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज 57 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक राजधानी जयपुर में 43 पॉजिटिव मिले हैं। तो वहीं जोधपुर में 6, कोटा में 3, झुंझुनू में 2, अजमेर, नागौर, बांसवाड़ा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1535 हो चुकी है। वहीं नागौर में एक 62 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। क्या है प्रदेश के हालात, इस पर अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। जी लोकेश, क्या कुछ अपडेट है प्रदेश को लेकर के? जी आशीष, आज 2 बजे तक की रिपोर्ट के आधार पर 57 नए कोरोना पॉजिटिव आज प्रदेश में सामने आए, जिसमें सबसे अधिक 43 कोरोना पॉजिटिव राजधानी जयपुर से सामने आए। वहीं जोधपुर से 6 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। और इसके बाद में अब बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में 578 कोरोना के जो पॉजिटिव केस है अब तक सामने आ चुके हैं। जोधपुर में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 234 हो चुकी है, जो जोधपुर में दूसरा स्थान जो जोधपुर का आ रहा है। इसी तरह बात करें तो आज कोटा में 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए और वहाँ पर भी 102 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। हालांकि कोटा और नागौर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की मौत भी सामने आई है, और उसको मिलाकर अब पूरे प्रदेश में 25 कोरोना पॉजिटिव की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में लगातार कोरोना का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में पिछले बीते 4 दिनों से लगातार जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे थे, और वहाँ पर भी 102 कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ चुकी है। इसी तरह प्रदेश के अब तक 26 जिलों में कोरोना के जो पॉजिटिव वो मिल चुके हैं। सवाईमाधोपुर जहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, वहाँ बीते दिन 4-5 कोरोना पॉजिटिव एक साथ सामने आए हैं, जो एक चिंता की जो विषय है। इसी तरह लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है प्रदेश के अलग अलग जिलों में। लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 7 ऐसे जिले हैं जिनमें 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव की संख्या है, और वहाँ पे तेजी से लगातार जो पॉजिटिव है वो सामने भी आ रहे हैं। ऐसे में हालात गंभीर है, और उसको लेकर चिकित्सा विभाग गंभीरता से काम कर रहा है, लगातार स्क्रीनिंग कर रहा है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार विभाग के अधिकारियों जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग जो निर्देशित कर रहे हैं कि किस तरह से प्रदेश में जो चिकित्सा महकमा है वो काम करे, और अधिक से अधिक जो संक्रमण जो फैल रहा है उसको रोकने की कोशिश किस तरह से करे, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं। जी जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे न्यूज रूम से लोकेश ओला, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी प्रदेश में किस प्रकार से कोरोना का फिगर बढ़ रहा है और चिकित्सा विभाग किस प्रकार से कोरोना का मुकाबला कर रहा है।